हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल हिमाचली नीलम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट, जिसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए कर लेते हैं तैयार। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए मैंने ले ली है फ्रेश मक्की के बीज, मैंने ली है एक कटोरी। मैंने गैस के ऊपर रख दिया है पैन, इसमें एक मैंने इसी गिलास के माप से एक गिलास पानी का डाल दिया था। इसमें मैं दो गिलास पानी डालूंगी मक्की के बीज को बॉईल करने के लिए। आधा टीस्पून डाल रही हूं मैं इसमें नमक, इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मक्की के दाने को और ढक्कन लगा के हम इसे 5 से 6 मिनट तक उबलने देंगे। कॉर्न को 5 से 6 मिनट बॉईल होते हो गए हैं, अब कर लेते हैं इन्हें चेक। मक्की के दाने जो है हमारे उबल चुके हैं, अब कर लेंगे हम गैस बंद। अब हम एक स्ट्रेनर की सहायता से इन्हें छान लेंगे। और इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रहने। स्वीट कॉर्न से हमारे पानी सारा बाहर निकल चुका है। अब मैंने ले लिया है इसको बनाने के लिए एक टमाटर, एक प्याज, काला नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 नींबू और 1 हरी मिर्च। प्याज और टमाटर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने प्याज टमाटर को बारीक कट कर लिया है। टमाटर के मैंने 20 साइड निकाल दिए हैं। अब ले लिया है मैंने एक बर्तन, इसमें मैं स्वीट कॉर्न को डाल दूंगी। और साथ में डाल दूंगी इसमें प्याज, थोड़ा प्याज मैं चाट की डेकोरेशन के लिए रहने दूंगी। और इसी के बीच में डाल रही हूं मैं टमाटर, एक चम्मच डाल रही हूं मैं काला नमक, आप चाहे तो इसमें सफेद नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉर्न को बॉईल करती बार सफेद नमक डाला था। अब मैं डाल रही हूं 1 चम्मच चाट मसाला, हरी मिर्च, और लेमन, एक लेमन लिया है जिसको मैंने बीज से कट कर लिया है, इसे हम इसके बीच में निचोड़ देंगे। आप ज्यादा या कम खट्टा अपनी पसंद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में डाल रही हूं मैं इसमें हरा धनिया जिसको मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वीट कॉर्न चाट जो है झटपट से बनके रेडी हो जाती है। चाट जो है हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छे से, अब हम इसे कर लेंगे सर्व। तो लीजिए, तैयार है हमारी खट्टी मीठी और चटपटी चाट रेसिपी। आप भी इस तरह से
चाट फटाफट बना के खा सकते हैं। अगर आपको चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक